साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 तरसील आम्मा यानी मास कम्युनिकेशन सीनियर सेकेंडरी कोर्स का सबक नंबर तीन ज़राए इब्लाग का किरदार और काम। ज़राए इब्लाग यानी मीडिया का काम और असरात। तो मीडिया के अबलाग और किरदार के असरात पढ़ेंगे। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने की हैसियत से बहुत से तरक्की पजीर मुल्कों के लिए काबिल तकलीद मिसाल। हमारे मुल्क में रियासती और मरकजी हुकूमतें आवाम के ज़रिए मुंतखब की जाती हैं। ये हुकूमतें रियासतों में कानून साज असम्बली के अराकीन यानी MLA और मरकज़ में मेम्बरान पार्लियामेंट के ज़रिए चलाई जाती हैं। ये हुकूमतें जदीद जमहूरी हुकूमतें तीन अज्जा पर मुश्तमिल है ना। तो ये सारी बातें इसके अंदर हैं, लेकिन जो हमें पढ़नी है, जो मकसद है सबक का, वो ये है कि ज़राए इब्लाग और जमहूरियत। आप देखेंगे कि अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न जैसे ज़राए इब्लाग हुकूमत और लोगों के दरमियान एक पुल की तरह काम करते हैं। जो ज़राए इब्लाग होते हैं जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, ये एक पुल की तरह काम करते हैं लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। मतलब ये जो है अखबार और टीवी, ये अपनी बात पहुंचाते हैं, आवाम अपनी बात पहुंचाती है इनके ज़रिए किस तक, हुकूमत तक। जब हुकूमत तक पहुंचती है तो एक पुल की तरह काम करते हैं। हाँ, एक मिसाल पर गौर करें। मान लीजिए हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने या घटाने का फैसला करती है। इस फैसले से लोगों को वाकिफ कराना ज़रूरी है। ये काम मीडिया करता है। मीडिया न सिर्फ इस बारे में लोगों को मुतला करता है, बल्कि ये भी बताता है कि लोगों की ज़िंदगी पर हुकूमत के इस फैसले के क्या असरात पड़ सकते हैं। इसके बाद चलें एक और बात पढ़ते हैं। ये भी और मिसालें हैं, ये तो वही चीज़ें हैं। अब सरकारी मीडिया एजेंसी महकमा जात क्या है? देखिए, मरकजी और रियासती हुकूमतें आवाम को अपनी पॉलिसी के बारे में किस तरह मुतला करती हैं। हुकूमतें इसलिए ज़राए इब्लाग और उनके साथ ही मीडिया एजेंसियों और महकमों का इस्तेमाल करती हैं। मरकजी हुकूमतें या एजेंसियाँ मरकजी वजारत और इत्तलात और नशरियात के मातहत काम करती हैं। इन वजारत की एजेंसियाँ और महकमा इजाद इत्तलात, रिसानी और नशरियात से मुतालिक होते हैं। ये एजेंसियाँ हुकूमत की पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। इस तरह रियासती हुकूमतें भी अपना मीडिया एजेंसी के ज़रिए अपनी पॉलिसियों और प्रोग्रामों के बारे में मालूमात को आम करती हैं। आपको इन एजेंसियों के बारे में मज़ीद मालूमात इश्तिहारात और राबता आमा से मुतालिक सबक में हासिल होंगे। अब जैसे खाली जगह को मना, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है ना। इसी तरह ये हिंदुस्तान में हुकूमत चलाता है, हिंदुस्तान में हुकूमत मीडिया के लोगों को इकदाम करते हैं। ये सारे इन सब के जैसे पांचों हैं, इन पांचों के जवाब आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सवाल हैं। पहले में हिंदुस्तान, दूसरे में मुंतखब नुमाइंदे, तीसरे में इत्तला रिसानी हुकूमत, और चौथे में चौथा, और पांचवे में रवैयो और आदात। इसके बाद दूसरा सवाल है कि जदीद जमहूरी हुकूमत के 30 लाजमी इदारों के बारे में बताएं। 3 लाजमी इदारे इसके हैं, कानून साजिया, मुंतजमिया और अदलिया। 2 ऐसे तरीके बताएं जिनके ज़रिए ज़राए इब्लाग किसी जमहूरी निज़ाम की खिदमत अंजाम दे सकता है। जमहूरी अपने इश्तिहारात के ज़रिए हुकूमत को जगा के। मीडिया के काम और जिम्मेदारी, मीडिया के क्या काम है और क्या जिम्मेदारी, सवाल आ सकता है कि भाई मीडिया के काम बताओ और उसकी जिम्मेदारी बताओ। ज़राए इब्लाग जो है, पहला इसका पॉइंट यही है कि ये तब्दीली लाने में मदद दे सकता है। ठीक है, ये जो है तब्दीली लाने में, ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करके लोगों के रवैये और आदतों को तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम सब लोग मुख्तलिफ बीमारियों, मसलन कोड या HIV एड्स के बारे में गलत राय रखते हैं। हम में से बाद लोग सोचते हैं इन बीमारियों में मुबतला लोगों को छूने से बीमारी उन्हें भी लग जाएगी।
मगर रेडियो टेलीविज़न अखबारात के ज़रिए पैगामात आप तक ज़रूर पहुँचेंगे कि HIV एड्स मरीज़ों को छूने वाला शख्स उससे मुतासिर नहीं होता। इसी तरह मीडिया के ज़रिए पोलियो के ख़ात्मे से मुतालिक पैगामात और खुसूसी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। इन प्रोग्रामों में लोगों को बताया जाता है कि बच्चों को पोलियो की दवा दिलाना कितना ज़रूरी है, साथ ही इन्हें ख़ास दिन यानी पोलियो दिन के बारे में भी इत्तला दी जाती है। उस दिन हुकूमत की तरफ से ज़्यादा बच्चों को पोलिया दवा पिलाने के इंतज़ाम किए। तो पहला तो यह है कि तब्दीली लाने में मदद करता है, लोगों के जहनों को बदलता है, और दूसरी वजह आप लिख सकते हैं कि ज़राए इबलाग दुनिया को ज़्यादा छोटा और नज़दीक कर दे। ज़राए इबलाग की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें कि उसने दुनिया को छोटा कर दिया और हमारे करीब कर दिया। यानी देखें, अब आप ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच चल रहा हो, आप उसे यहीं बैठे बैठे लाइव देख सकते हैं, यहीं से लाइव जान सकते हैं कि भाई जो है क्या चल रहा है ना, और दुनिया को छोटा और नज़दीक कर दिया। मतलब आप बैठे बैठे जो है आलमी गांव की शक्ल में आ गया, जैसे गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी सब एक दूसरे को जानते हैं। इसी तरह वर्ल्ड वाइड और इंटरनेट भी लोगों और मुल्कों को एक दूसरे से बहुत करीब कर दिया। ज़राए इबलाग चीज़ों को फ़रोख में मदद दे, ज़राए इबलाग के ज़रिए हम चीज़ों को बेच भी सकते हैं, इश्तिहार वगैरह कर सकते हैं, मसलन बीमा, बैंक, अस्पताल, टेलीविज़न, तेल वगैरह के दाम बता के लोगों को बेच सकते हैं। तो यही जो है मीडिया का काम है और ज़िम्मेदारियाँ हैं। मीडिया अखलाकियात, मीडिया अखलाकियात क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ज़राए इबलाग किस कदर ताकतवर होता है, मीडिया और मीडिया चलाने वाले लोग यानी प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न से वाबस्ता सहाफ़ियों को ये ताकत अपने काम की नौीयत की वजह से हासिल, लिहाजा सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और पुलिस वालों को इनकी तरफ से अंदेशा में मुबतला रहता है। अमूमन वो नहीं चाहते कि मीडिया उनका जिक्र गलत वजूहात से किया जाए। सबसे पहला काम है, लिहाजा मीडिया के चलाने वाले लोग अपने पेशे के अतबार रखते हुए मंदरजे अखलाकी जब्तों के पास सबसे पहला काम तो ये करें, वो इत्तलाआत की सेहत, मतलब इत्तलाआत की सेहत का ये मतलब है कि मीडिया वाले जो ख़बर देना उनका अखलाकी फ़र्ज है कि वो सही हो, ढकी छुपी ना हो, ऐसी ना हो कि जिसके फैलने से लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, इस तरह की ना हो, बल्कि जो सही चीज़ हो बिल्कुल उसे सही बताए। और जहाँ पे मीडिया के ज़रिए अगर वो ख़बर बता दी जाए तो उससे हंगामा हो जाए तो उसको इस अंदाज़ में बताए कि हंगामा ना हो। राजदारी मीडिया, मीडिया के लिए भाई मुख्तलिफ ज़राओं की फराहमी करदा इत्तलात को राज में रखें। और जो है दूसरा काम है, जो भी मुख्तलिफ ज़राए की फराहमी करदा है उनको राज में रखें, मतलब जिस सोर्सेस से वो मालूमात हासिल हुई है। ज़राए का तहफ़ राजदाराना तौर पर इत्तला फराहम करने वाले किसी भी ज़राए का नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। मसलन अगर कोई सरकारी अफसर अपने महकमे के बारे में मालूमात फराहम करता है तो मीडिया वालों को चाहिए उस शख्स का नाम जाहिर ना करें ताकि उसको नुकसान ना पहुँचे। तीसरा है खलवत प्राइवेसी का हक, हर सहाफ़ी को किसी भी शख्स के जो है खलवत प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, उसको आम शहरियों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात नहीं देनी चाहिए। इसके बाद है भाई तशद्दुद भड़काने से गुरे, और मीडिया को चाहिए कि वो ऐसी खबरें ना चलाए जिसकी वजह से आपस में लोग झगड़ जाएँ, एक दूसरे को मारने लगे, ऐसे डिबेट से बचे, बेहूदगी या फहाशी, और जो है मीडिया को चाहिए कि बेहूदगी और फहाशी ऐसी चीज़ों से बचे, ठीक है। फिरका वाराना तहरीर से गुरेज, और ऐसी बातें ना लिखे जो किसी दूसरे मज़हब के लोगों को ठेस पहुँचाए, हमारा आइन सेकुलरिज्म में यकीन रखता हो और तमाम मज़हब को यकसा एहतराम करता हो तो मीडिया को चाहिए कि इन चीज़ों से बचे, ठीक है। मीडिया के असरात, मीडिया के क्या असरात होते हैं, मीडिया के असरात मुस्बत भी होते हैं और मनफी भी, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव असरात पढ़ लेते हैं, मुस्बत पहले पॉजिटिव भी पढ़ेंगे साथ में नेगेटिव भी पढ़ेंगे। मीडिया लोगों को मतलूब खबर और इत्तला फराहम करता है, ये तो एक अच्छी बात है। मीडिया किसी मुल्क की रिवायती तहजीब और सकाफत को नुकसान पहुँचा सकता है, पहले मुस्बत पढ़ लेते हैं। मीडिया लोगों के इल्म में इजाफा करता है, दूसरा फ़ायदा, मीडिया जमहूरी निज़ाम को मौसर तौर पे काम करने में मदद करता है, अगर हुकूमत कुछ गलत कर रही है तो सीधे रास्ते, मीडिया लोगों की तफरी का सामान भी फराहम करता है, कभी कभार खेलकूद,
मीडिया तब्दीली और तरक्की का आला कार भी बन सकते हैं। मीडिया ने दुनिया के लोगों को करीब तर कर दिया। मीडिया इश्तहारात के जरिए तजारत और सनत को फ़रोग देता है। मीडिया मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल में मदद देता है। मीडिया मुसबत समाजी तब्दीली ला सकता है। ये तो इसके होगा भाई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 इसके मुसबत असरात। मनफी असरात क्या हैं? मीडिया किसी मुल्क के रिवायती तहजीब और सखावत को नुकसान पहुँचाता है। तीसरा ये कि तफरी ज़राए इब्लाग की बुनियादी जुज बन गई है। इससे मीडिया की इत्तला रसानी और इल्म अफजाई की बुनियादी मकसद में अगर जो है मतलब ऐसी चीज़ें फराहम करता है जो हंसी मजाक की, उससे दूसरी चीज़ों को नुकसान, लोग जो है उसी को मीडिया समझना। मीडिया तशद्दुद को हवा भी दे सकता है। टेलीविज़न सिनेमा देखने वालों पर तशद्दुद, बच्चों को मनफी असर, लड़ाई झगड़े की आदत डाल सकता है। ज़राए इब्लाग लोगों में मुश्तहिल किए जाने वाले ऐसी चीज़ें खरीदने की ख्वाहिश पैदा करता है जो ज़रूरी हैं और उनके लिए लाजमी है। तो ये था क्या नाम है, मुसबत और मीडिया के असरात, मुसबत और मनफी दोनों तरह के असरात होते हैं। सवाल है ऐसे 5 अखलाकी ज़ाब्ता जिनकी पाबंदी मीडिया वालों को करनी चाहिए। मैंने अभी अखलाकी ज़ाब्ता आपको पीछे पढ़ा है, मीडिया के अखलाकियात 5 बता देना कि भाई इत्तला'आत की सेहत हो, ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ हो, राजदारी हो, खलवत प्राइवेसी हो, तशद्दुद भड़काने से गुरेज हो, बेहूदगी ना करें, फिर फिरकावाराना तहरीर से गुरेज। और इसका जो अगला सवाल है वो अभी बताया बिल्कुल कि मीडिया के 3 मुसबत और मनफी असरात के बारे में बताओ, अभी समझाएं ये लिख देना आपने क्या सीखा है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है भाई, मतन पर मबनी सवालात में ज़राए इब्लाग और जमहूरियत के बाहमी ताल्लुक से तफसील में लिखे। मीडिया अखलाकियात क्या अभी बताया वही चीज़ आ गई, लोगों पर मीडिया के मनफी मसले वही आ गए सारे सवाल। तो ये था हमारा सबक नंबर 3। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। असाइनमेंट टीए में प्रैक्टिकल नोट्स, क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए हो किसी भी मीडियम, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।